तो गाइस हम लोग एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया या फिर जीडीपी क्रैश हो चुकी है इकोनॉमी की। लेकिन अगर हम आम आदमी से पूछें कि जीडीपी क्रैश, तो एक आम आदमी बोलेगा कि इसका मेरे ऊपर क्या फ़ायदा, मतलब जीडीपी अगर गिर रही है तो मेरी लाइफ पे इसका क्या असर पड़ेगा। एक नॉर्मल आदमी जीडीपी के बारे में नहीं जानता, लेकिन रियलिटी ये है कि हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो इकनॉमी पे फ़र्क डालती है, वो आपकी लाइफ पे भी फ़र्क डालती है। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिस पर हम छोटे छोटे टर्म्स और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कैसे इकनॉमी पे फ़र्क डालते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज का टॉपिक भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल एक ऐसा रिसोर्सेस है, जब भी सरकार को लगता है कि पैसे की कमी आ रही है, रेवेन्यू हमें ज़्यादा कमाना है या फिर हमारे पास पैसे की तंगी हो रही है, तो वो सबसे पहले जो चीज़ करती है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। अब पेट्रोल और डीजल के भार डायरेक्ट अफेक्ट डालती है इकनॉमी पे। कैसे? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में ऑयल और पेट्रोल या फिर हम कहें ऑयल होता ही नहीं है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास तो ऑयल है, जामनगर ले लो, असम फील्ड ले लो, ट्रॉम्बे ले लो। तो मैं रियलिटी में ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास ऑयल फील्ड है, लेकिन इतना नहीं है कि हम अपने पॉपुलेशन को कंज्यूम करवा सके। तो जिस वजह से हमें बहुत सा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम द अरेबियन कंट्रीज। शिप्स जाते हैं और वो लेकर आते हैं, क्रूड ऑयल हम लाते हैं और फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी और हमारी रिफाइनरी की मदद से उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और उन्हीं प्रोडक्ट्स में से दो प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल कॉमनली यूज ऑयल फ्यूल्स हैं जो कि व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन की। लॉकडाउन में जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल बिका ही नहीं, लेकिन एजेंशियल सर्विस को चले रहने की वजह से इंडिया के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन और भी महंगा हो गया, क्योंकि बस, ट्रक्स, जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं वो सब तो डीजल पे ही चलते हैं। पेट्रोल पे तो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हमने अपनी गाड़ियाँ चलाई नहीं, पेट्रोल पे कहीं। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे फ़र्क डालता है? अब मैं आपसे बोलूँ कि आप 5 रुपये का नींबू खरीद के लाओ या फिर धनिया खरीद के लाओ या फिर टमाटर आलू कुछ भी खरीद के लाओ, तो इसके दाम कैसे बढ़ते हैं? आप बार्गेन कर लोगे या फिर सारे सब्जी वाले कमी पे तो होंगे, लेकिन एक एक दो दो रुपये इनके भी बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फार्मर से लेके ये मंडी तक आते हैं एक ट्रक में, सारे के सारे वेजीज और फ्रूट्स। लेकिन ये आते जब भी हैं, यूज़ क्या होता है? डीजल। डीजल के दाम बढ़ते, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जिसकी वजह से आपकी सब्जियां भी महंगी होती है। अब जैसे कि रॉ मटेरियल्स की बात करें, आयरन, स्टील या कोई भी मटेरियल हुआ मिनरल टाइप का, वो सब हमारे भरमार है छोटा नागपुर रीजन पे। हमारी फैक्ट्रीज बनाती हैं और फिर उन्हें पूरे इंडिया में सप्लाई करती है। अब सोचिए छोटा नागपुर से लेके कोई प्रोडक्ट दिल्ली तक जाएगा, मुंबई तक जाएगा। तो अब जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप हिल स्टेशन पे घूमने गए हो तो 10 रुपये की मैगी या 10 रुपये का चिप्स का पैकेट भी 11, 12 या फिर 15 रुपये का बिकता है। ऐसा क्यों? रीज़न यही है कि वो लोग नीचे से ऊपर लाते ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हैवी व्हीकल्स ऊपर पहाड़ तक नहीं जा सकते। अब क्या बेसिक नीड्स या फिर एजेंशियल सर्विसेज आइटम्स के ही दाम बढ़ते हैं? नहीं, ऐसी दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं जो फ़र्क डालती हैं। अब जो फ़र्क डालती है पेट्रोल और डीजल के दाम की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, वो ये है कि हमारे यहाँ का टूरिज्म पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जितने लोग घूमने आते हैं किसी भी शहर में, तो फिर जो टूरिस्ट होता है वो एक प्राइवेट व्हीकल करने की जगह सरकारी व्हीकल करता है। ऐसा नहीं है वो प्राइवेट व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट व्हीकल अगर उसको पेट्रोल के दाम बढ़ते तो प्राइवेट व्हीकल का जो टैक्सी का चार्जेस है वो भी बढ़ते हैं। हर चीज़ बढ़ती है क्योंकि सब आपस में लिंक होते हैं। पब्लिक व्हीकल्स में भी, गवर्नमेंट व्हीकल्स में भी यही होता है कि उनके भी दाम बढ़ते हैं। तो एक तरीके से हम बात करें तो जितनी भी टैक्सी सर्विसेज होती है, बस सर्विसेज होती है, इन सब के भी दाम बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा एक रीज़न देखने को आ रहा है कि ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्शन में धीरे धीरे कमी आ रही है। अगर आपको याद हो तो अप्रैल मई कुछ ऐसा महीना रहा है कि एक भी ऑटोमोबाइल नहीं बिका पूरे इंडिया के अंदर, रिकॉर्ड रहा है। आज की जो जनरेशन है, हम जैसे मिलेनियल्स या फिर जनरेशन जेड, वो ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो ओला और ऊबर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट धीरे धीरे करके बहुत सी चीज़ों में टैक्सेस लगा देती है, ये टैक्स, रोड टैक्स, वो टैक्स। चलिए हम टैक्स ऐसे भी करके पे कर देंगे और हम जो दूसरी चीज़ देखेंगे वो हम गाड़ी भी खरीद लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि गाड़ी चलती तो पेट्रोल पे, फ्यूल पे है,
और फ्यूल हमें रोज़ डलवाना पड़ेगा अगर हम रोज़ अपनी गाड़ी से ही जॉब करने जाएंगे तो, जिसका असर हमारी जेब पे पड़ेगा। और ये रीज़न है कि हमारी जैसी जनरेशन ओला और उबर को क्यों प्रेफरेंस दे रही है, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स की जो सेल्स हैं वो भी धीरे धीरे घट रही है। अभी तो ये खैर पहला वीडियो है, तो फिर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए और ज़्यादा बड़ा नहीं बताया ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। अगर आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड और कोई टॉपिक है जो शायद से मुझे बोलना चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए कि मैं ये टॉपिक नहीं बोला। इस सीरीज़ को आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ पे हम ऐसे और टॉपिक, इन्फ्लेशन, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, जीडीपी कैसे असर डालती है, या जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी कैसे काम करती है, इन सब टॉपिक्स और टर्मिनोलॉजीज पे हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाय बाय।